मुंबई के चैंबूर में संविधान परिवार की तरफ से भारत बंद के लिए एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। भारत बंद की बात हो या संविधान चलाने की बात हो, सभी विषयों पर संविधान परिवार के लोगों ने चर्चा की। इस मौके पर संविधान परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। जो माहौल चल रहा है देश में बीजेपी के माध्यम से संविधान के खिलाफ, आम आदमी के खिलाफ, उससे कैसे मुकाबला करने का, और एक भारत भाजपा विरोधी जो आंदोलन है, अभियान है, वो कैसा तेज करने का, इसलिए आम्बेडकरी विचारों के जो लेखक है, साहित्यिक है, कलावंत है, कार्यकर्ता है विविध गुट के, उनको लेकर संविधान परिवार नाम के जो हमारी संगठन है, यानी जो भीमा कोरेगांव के पार्श्वभूमि पर स्थापन हुई थी, उसको सबको मुकाबला करने के लिए, तो एक सामाजिक स्तर पर भी संविधान परिवार ने तय किया है कि भाजपा विरोधी अभियान तेज करने का है। और कैसे तेज करने का, क्योंकि वो बाबा साहब का संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अल्पसंख्यक लोग जो है, माइनॉरिटीज के लोग, उनके खिलाफ एक फैसिस्ट प्रवृत्ति से उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं। हम जो कहेंगे वही करो, हम जो बोलेंगे वही खाओ, हम जो बोलेंगे वैसे ही करो, और एक हिंदू राष्ट्र की निर्मिति की प्रक्रिया की ओर ये चल रहा है। और भारतीय संविधानों को ख़त्म करने के जगह मनुस्मृति लाने की जो कोशिश चल रही है, तो उसको खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करने के लिए ये व्यापक बैठक आयोजित कर रही है। तो हम लोग अभी एक तो सामाजिक स्तर पर इकट्ठा हो रहे हैं, और आंदोलन इस बैठक में बहुत लोगों की ऐसी भूमिका है, इनको एक पॉलिटिकल भूमिका में परिवर्तित होना चाहिए। तो देखेंगे, हम शुरू से जैसे भाजपा और शिवसेना जैसे जो हिंदुत्ववादी और फैसिस्ट संगठन है, उनको छोड़कर जो संविधान पर विश्वास करते हैं, जो डेमोक्रेसी पर विश्वास रखते हैं, ऐसे लाइक माइंडेड पार्टी जैसे कांग्रेस होंगे, एनसीपी होंगे, लेफ्ट पार्टीज होंगे, और जो अन्य पक्ष होंगे जो लाइक माइंडेड है संविधान पर, उसके साथ जाने के, और बीजेपी को 2019 में जो इलेक्शन होंगे उसमें कैसे उनको पॉलिटिकली डिपीट कर सकते, उनके लिए भी विचार विमर्श, कुछ लोगों ने वो भी मुद्दे मांडे। लेकिन फिलहाल अभी हमने एक केवल सामाजिक स्तर पर एकत्र आने का निर्णय लिया, और आगे बहुत सी मीटिंग चलेगी, अनेक महाराष्ट्र के अनेक जिलों में, तालुका में मीटिंग चलेगी, और उनमें एक रहेगा। लेकिन भाजपा को सभी स्तरों पर डिबेट करने का हम लोगों ने तय कर रहे हैं। भारत बंद के लिए इसीलिए संविधान परिवार ने जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी है और कोई कर नहीं रहे है, उस समय तो विरोधी पक्ष में थे भाजपा, तो बहुत चिल्ला देते इनके खिलाफ, अभी कोई करना नहीं, आम आदमी बहुत परेशान है। और जो भारत बंद का ऐलान किया है जो कांग्रेस ने और सभी पार्टी ने, उसको हम पूरी तरह से सपोर्ट देने वाले हैं, और भारत बंद में हम लोग संविधान परिवार, अम्बेडकर जनता शामिल होने वाली। आज जो संविधान परिवार की तरफ से यहाँ पे हमने मीटिंग जो आयोजित की है, उस मीटिंग में हम कल भारत बंद में हमारा पूरा सहयोग रहेगा, क्योंकि जिस तरीके का वातावरण आज हमारे देश में है, उस देश में संविधान को भी जलाया गया है, और इस तरीके की हमारी जो बहुजनवादी और अम्बेडकरवादी जो संगठनाएं हैं, वो सब मिलकर हम एक संविधान परिवार की तरफ से कल के भारत बंद में हम पूरी तरह से सहयोग देंगे। और जिस तरीके का संविधान को जलाकर संविधान का अपमान किया जा रहा है, ये पूरे भारत देश में 70 वर्षों में अभी तक ऐसी घटनाएं घड़ी नहीं है, जो पहली बार घड़ चुकी है। तो इस अराजकता मांझने वाले और संविधान को नहीं मानने वाले लोगों के खिलाफ हमने एक मोर्चा खोला हुआ है, और वो उस मोर्चा हम संविधान परिवार की तरफ से कर रहे हैं। और संविधान प्रेमी जो भी लोग हैं, संविधान को मानने वाले जो लोग हैं, और जो भारत देश के सच्चे भारतीय है, आज बहुत गलत तरीके का एक वातावरण हो चुका है, देशभक्ति के नाम पर अगर संविधान जलाया जाता है, और देश का सबसे बड़ा जो सरकार है उसको अपनी खुली आंखों से देखती है, तो ये कोई देशभक्ति नहीं है, ये देशभक्ति का नाटक है, और इस नाटक का पर्दाफाश हम संविधान परिवार की तरफ से करने वाले हैं। एक गोष्ट लक्षात घ्या, ज्या वेळेसपासून केंद्रामध्ये आणि राज्यामध्ये
आणि संपूर्ण देशामध्ये काही राज्यामध्ये भाजपचं सरकार आलेलं आहे. या सरकारच्या आधिपत्याखाली या सरकारने ज्या ज्या ठिकाणी ज्या ज्या राज्यामध्ये त्यांचं सरकार आहे त्या त्या राज्यामध्ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिझम सुरू केलेला आहे. राज्य सरकार पुरस्कृत दहशतवाद सुरू केलेला आहे. 1 जानेवारीला महाराष्ट्राच्या भीमा कोरेगाव या ठिकाणी 200 वर्ष भीमा कोरेगावच्या रणसंग्रामाला पूर्ण होत आहेत. पेशवाईचा खात्मा करून 200 वर्ष पूर्ण होत आहे म्हणून संपूर्ण देशातून आंबेडकर अनुयायी त्या ठिकाणी आले होते. त्या ठिकाणी काही जातीयवादी पक्षातील असणाऱ्या लोकांना संघटनेच्या लोकांना संघटित करून त्या ठिकाणी राज्य सरकार पुरस्कृत दहशतवाद करण्यात आला. आणि त्यानंतर ज्या लोकांनी याचा पुरजोर विरोध केला त्या लोकांना आता नक्षलवादी म्हणून सरकार त्यांची धरपकड करते आहे. संविधान जाळलं जात आहे. त्याचबरोबर अनेक महिलांच्या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या संदर्भात महापुरुषांच्या संदर्भात अनेक अपमानजनकारक वक्तव्य केली जात आहेत उघडपणे. आणि पूर्णतः एकूणच या देशाला एक प्रकारचं सांप्रदायिक अराजकतेकडे ढकलण्याचं काम BJP शिवसेना किंवा तत्सम असणारे पक्ष करत आहेत. आणि त्याला विरोध करण्यासाठीच आम्ही वेगवेगळ्या पक्ष संघटनांचे बुद्धिजीवी शिक्षक डॉक्टर प्राध्यापक इंजिनियर पत्रकार कलावंत यांना एकत्र करून ही बैठक बोलवलेली आहे. आणि या बैठकीमध्ये आम्ही विचार करतो आहे की जे लोक देशाचं विघटन करू इच्छित आहेत जे लोक भारताचं संविधानाची पायमल्ली करत आहेत जे लोक या देशाला दंगलीच्या सांप्रदायिक दंगलीच्या खाईमध्ये ढकलू इच्छित आहेत या लोकांना सामूहिकरित्या सामाजिक दृष्टिकोनातून विरोध केला पाहिजे यासाठी आजची बैठक होते आहे. आणि लवकरच या बैठकीतून जो काही निर्णय होईल तो राज्यव्यापी कार्यक्रम आम्ही पुढे जाहीर करू. म्हणजे मी तर आवाहन करेल भारतीय जनतेला ज्या असणाऱ्या भारतीय नागरिकाचा आपल्या देशावर आणि आपल्या देशाच्या संविधानावर निष्ठा आहे प्रेम आहे या सगळ्या भारतीयांनी आता मला वाटतं संघटित होऊन जात पात धर्म प्रांत भाषा न पाहता सर्वांनी संघटित होऊन संविधानाची पायमल्ली करणाऱ्या लोकांना विरोध केला पाहिजे. कारण भारताचं संविधान जर बदललं गेलं तर या लोकांना खुलं रान मिळेल अराजकता माजवण्यासाठी. आणि काही ठराविक शेंडीवाल्या किंवा जानवधारी लोकांची मक्तेदारी या देशामध्ये पुन्हा निर्माण करण्याचा हा सगळा प्रयत्न चालू आहे ज्याला आपण सातत्याने म्हणतो की मनुवाद. मनुस्मृती जी आहे जी मनू नावाच्या ऋषीनं लिहिली आहे त्या मनुस्मृतीमध्ये उच्चवर्णीय किंबहुना ब्राह्मण्यवादी विचाराच्या लोकांचाच पूर्णतः पाठबळ देण्याची त्यांची आचारसंहिता आहे. त्यांना भारतीय हे जे संविधान आहे जे समता स्वतंत्रता बंधुता आणि न्यायावर आधारित आहे हे भारतीय संविधान कधी एकदा आम्ही नष्ट करतो आहे आणि कधी आम्ही मनुस्मृती भारतामध्ये लागू करतो आहे आणि पुन्हा एकदा यांचं वर्चस्व वर्णव्यवस्थेच्या माध्यमातून आम्ही प्राप्त करतो आहे अशा प्रकारचा कुटील डाव या BJP शिवसेनेने आखलेला आहे. हा कुटील डाव हाणून पाडण्यासाठी निव्वळ आंबेडकरी समाजातील किंवा रिपब्लिकन चळवळीतील लोकांनी न येता मला वाटतं की समान राष्ट्रप्रेमी असणाऱ्या भारतीय नागरिकांनी संविधानाच्या संरक्षणार्थ एकत्र आलं पाहिजे आणि तसं आवाहन आम्ही सातत्याने संपूर्ण देशात आणि राज्यात करत आहोत. या कारण भारतीय संविधान या संदर्भातला असणारा जो विचार आहे तो आज मितीला तरी आंबेडकरी विचाराच्या लोकांना समजलेला आहे. या देशामध्ये दुर्दैवाने धर्म जात भाषा प्रांत यावरती लोकांमध्ये अपप्रचार करून लोकांची माथी भडकवण्याचे काम RSSवाले किंवा तत्सम असणारे लोक करत आहेत. आणि हे काम आता नाही सुरू केलेलं त्यांनी. 1925ला ज्यावेळी राष्ट्र RSS निर्माण झाली होती त्या 1925ला RSS जेव्हा निर्माण केली गेली त्याचवेळी हिंदू राष्ट्र
बनवण्याचा हा जो त्यांचा अजेंडा आहे त्या अजेंड्यावरती ही लोक काम करतायत। लोकांना धर्माच्या नावाने देवाच्या नावाने आता राम मंदिराचा जो मुद्दा आहे, मला सांगा अटल बिहारी वाजपेयी 5 वर्ष पंतप्रधान होते तेव्हा राम मंदिर बनवू शकले नाहीत, आताही मोदीजी 4 वर्ष पूर्ण केले आहेत आताही राम मंदिर त्यांनी निर्माण केले नाही, पण ज्या ज्यावेळी निवडणुका येतात त्या त्यावेळी धर्माचा मुद्दा, हिंदू विरुद्ध मुसलमान, हिंदू विरुद्ध दलित, हिंदू विरुद्ध ख्रिश्चन अशा प्रकारचं वातावरण निर्माण करून देशातले जे मुख्य प्रश्न आहेत याला बगल द्यायची आणि धर्माच्या नावावर, जातीच्या नावावर, देवाच्या नावावरती समाजामध्ये लोकांमध्ये एक प्रकारची द्वेष भावना निर्माण करायची आणि समूहासमूहामध्ये वाद निर्माण करून आपलं राजकीय अस्तित्व प्राप्त करायचं ही खेळी आहे आणि त्यामध्ये ते यशस्वी ठरतायत। परंतु ती खेळी निश्चितपणे आगामी काळामध्ये भारतीय समाजातील लोकांना कळून चुकलेली आहे। मला वाटतं या 2019ला भारतातील जे सुज्ञ लोक आहेत, जे संविधानप्रेमी लोक आहेत, हे निश्चितपणे या अशा विचाराच्या, सांप्रदायवादी विचाराच्या लोकांना धडा शिकवतील याची मला खात्री आहे। हम सब भारतीय है और ये भारत में रहने का हमारा मूलभूत अधिकार है और वो संविधान से दिया है। अगर संविधान पुलिस की मौजूदगी में अगर जलाया जाता है तो ये सरकार क्या करती है। तो इसी के लिए ये हमारा संविधान परिवार की तरफ से इसका एक हम निषेध कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने का ये कर रहे हैं। जो भी कोई बोल रहा है कि संविधान बचाएंगे बचाएंगे, ऐसे कौन बोल रहा है? क्योंकि हमने सुना है भाषण उनका कि ये क्या संविधान को बचाए, क्योंकि ये संविधान सब हर एक नागरिक को जो भारत में रहता है उसके लिए है। आज हमारी अनुसूचित जाति जमाति की जो भी हालत है कि पूरा गांव का गांव लातूर जिले में रुद्रवाड़ी में पूरा गांव को निकाला है, एक फाड़के करके मातंग समाज का है उसको मारा है, हमारी एक भी महिला आज भी इस देश में सुरक्षित नहीं है, एक भी लड़की या वृद्ध और युवा लोगों को टारगेट किया जा रहा है, सामाजिक काम करने वालों को भी जेल में डाला जा रहा है, लेकिन जो पुलिस के मौजूदगी में जिन्होंने संविधान को जलाया तो वो उनके ऊपर जितना कठोर कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं हो रही। तो इसके लिए हमें तो संघर्ष करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये संघर्ष हमारा भारतीय होने के नाते और संविधान के प्रति, जिन्होंने जिस संविधान ने हमें हर एक आदमी को, हर एक इंसान को मूलभूत और जीने का अधिकार दिया है, तो उस संविधान को बचाने के लिए हम लोग तो अपना जी जान भी दे देंगे।